हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु श्रीमान सांबादास प्रभु जी और नीताय सिवनी माता जी के चरणों में समर्पित होकर उनसे कृपा की याचना करती हूँ। तत्पश्चात मेरे समक्ष जितने उपस्थित सभी भक्त हैं, मैं प्रार्थना और आशीर्वाद की याचना करती हूँ। आप सब मुझ अधम पर कृपा करें। साथ ही मैं दीपक प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने पुनः मुझे भगवान श्री हरि और उनके भक्तों का गुणगान करने का एक अच्छा अवसर दिया। ये सबसे भाग्यप्रद अवसर होता है किसी भी जीव के लिए जब वह भगवान की श्री चरणों का स्मरण करता है। उससे भी अधिक भाग्यप्रद है वो जीव जो भगवान के नित्य भक्तों के संग आकर कीर्तन और स्मरण करता है। जब जीव का सर्वोच्च भाग्य उदय होता है तब जाकर उसे ये भाग्य मिलता है कि भगवान के मंदिर प्रांगण में स्थित होकर भगवत कथा का श्रवण कीर्तन करें। मंदिर प्रांगण का मतलब यहाँ भगवान की सेवा हो, भगवान की पूजा हो, तो हमारा घर मंदिर से भिन्न नहीं। हम सब अभी एकत्रित हुए हैं और श्री हरि का नाम ले रहे हैं, तो ये जगह मंदिर से अभिन्न है, इसलिए हनुमान जी स्तुति करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतिमस्तक आंजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम्। अर्थात जहां जहां प्रभु रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहां वहां मारुति हाथ जोड़े हुए नतमस्तक नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए विराजमान रहते हैं। राक्षसों के नाशक श्री मारुति को मैं नमस्कार करती हूँ। हरि नाम और श्रीमद् भागवत समस्त अभद्र को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है, तो इनका आश्रय लेने का किसी को यदि अवसर प्राप्त होता है, जिस अवसर को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवी देवता कतार में खड़े रहते, तो उस अवसर को न गवाते हुए हमें तत्क्षण झपट कर लेना चाहिए। पांडव के जीवन को यदि हम स्मरण करेंगे तो केवल हम विपद ही विपद पाएंगे। जिन विपद को ब्रह्मा इंद्र आदि देवता उससे दूर रहना चाहते हैं, परंतु पांडव हमेशा विपद को आह्वान किया करते थे। भगवत प्रेम को पाने के लिए वे विपद को सीढ़ी बनाकर आगे चला करते थे। जिस तरह देवता भगवान को क्षीर सागर पर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आपके शुद्ध भक्त विपद को सीढ़ी बनाकर वैकुंठ को अग्रसर होते हैं। हम जो भी दुख को इस सागर में भोगते हैं वो हमारे शरीर सुख में बाधक है, संबंध सुख में बाधक है, पदवी सुख में बाधक है, जीव संसार में दुख से बहुत डरता है। परंतु पांडव भक्ति जीवन में हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, कृपया दुख से डरो मत, इसका प्रतिकार मत करो, दुख का सामना करो और भगवान पर अनन्य आश्रित रहो। आचार्य भगवत भक्ति पाने के लिए इसी मार्ग को सही बताते हैं। वे विपद और संपद पर आश्रित रहने को कहते हैं। हमको सिखाने के लिए भगवान ने पांडव के जीवन को माध्यम बनाया, या हम यूं समझ सकते हैं जहां विपद है वहां भगवान कृष्ण। आचार्य हमेशा हमें स्मरण करने को कहते हैं, किस तरह एक तरफ द्रौपदी का लज्जा दांव पर लगा था, द्रौपदी को नीच स्त्री कहा गया, किस स्थान पर, जहां द्रौपदी के पांचों पति उपस्थित थे, जहां परशुराम शिष्य भीष्म उपस्थित थे, जहां द्रोण उपस्थित थे, जहां कृपाचार्य उपस्थित थे, जहां उनके अतिरिक्त 20 लाख लोग उपस्थित थे कुरुसभा में, परंतु द्रौपदी निस्सहाय होकर कपटी दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र का पात्र बनी रही। द्रौपदी को निवस्त्र करने का प्रयत्न हुआ परंतु द्रौपदी का लाज बचा, लाक्षागृह में जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा गया, परंतु पांडव बच निकले। भीम को जहर देकर मारने का प्रयत्न किया गया मगर भीम 10,000 हाथी के बल के साथ वापस लौटे। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, जहां पकड़े जाते तो पुनः 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पे फिर से पांडव जाते। इन सब कठिनाइयों से पांडव उभर कर बाहर निकले। क्या हम इसको विपद कहेंगे? भगवान अपने स्वतंत्र इच्छा से पांडव को नचा रहे थे। भीष्मदेव कहते हैं, क्यों भगवान भक्तों को तकलीफ में डालते हैं? ज्ञानी विद्वान दार्शनिक इसको समझ नहीं सकते, ये केवल भक्त समझ सकते हैं।
युधिष्ठिर ने कभी प्रश्न नहीं किया, क्यों भगवान इतना कष्ट दे रहे हो हमें, परंतु इसी दुख में वे अन्य संपूर्ण स्वाद चख पा रहे थे। हम सब भक्त यहाँ हैं, जरा हम स्मरण करें, क्या कभी भी हमने दुख के समय दुख के स्वाद को चखा है? विपद को चखना मतलब भगवान कृष्ण को पाना। ध्रुव की माँ, जिसकी शत्रु उससे बड़ा शत्रु पुत्र के लिए कौन है? प्रहलाद को मारने के लिए स्वयं उसके पिता हिरण्यकशिपु शत्रु बने, तो पिता से बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? विभीषण को मारने के लिए स्वयं रावण शत्रु बना, तो भाई से बड़ा शत्रु कौन हुआ? रामचंद्र जो स्वयं भगवान परंतु उनकी माँ उनकी शत्रु बनी, तो माँ से बड़ा शत्रु भला कौन? तो मित्र कौन और शत्रु कौन? यदि लौकिक विचार को भागवत विचार के साथ संबोधित किया जाए तो हम देखेंगे किस तरह भगवान हर पल हर कदम अपने भक्तों की रक्षा कर रहे। विपद के समय जिस किसी भक्त ने शिकायत रहित अपने आप को स्थिर कर लिया, असलियत में वही उन्नत स्वाद को चखेगा। भौतिक जगत में सारा क्लेश अपव्यय के कारण, मनुष्य अंधाधुंध अपने जीवन में धन के पीछे भागता है, भोग के पीछे भागता है, कठिन परिश्रम करता है, और वही धन वही परिश्रम उसके अपव्यय का कारण बनता है। यदि हम अंधाधुंध होकर कृष्ण के तरफ दौड़ेंगे तो अपव्यय की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। हम सोच सकते हैं आंख बंद कर धन अंधाधुंध दौड़ेंगे तो हम गिरेंगे और चोट लगेगी। हाँ हम गिर सकते हैं, परंतु सहारा कृष्ण देंगे। पांडवों को स्मरण था कृष्ण का, जब दुर्वासा मुनि द्रौपदी से प्रसन्न होकर अक्षय पात्र वरदान दिए, साथ में उन्होंने एक वचन कहा, द्रौपदी याद रखना, संभव हो जब तुम विपत्ता में रहो तुम्हारे पति तुम्हारी रक्षा ना कर पाए, परंतु तुम हमेशा भगवान पूर्ण ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की नजर में हो। मुश्किल समय में ये अक्षय पात्र भी तुम्हें संभव सहारा ना दे, मगर कृष्ण तुम्हारी रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वे भक्त वत्सल हैं, वे भक्तों के पराधीन हैं, वे भक्तों के लिए कुछ भी करेंगे, भक्त को आंच नहीं आने देंगे, बस तो उन्हें याद कर लेना। वे भक्त के निमित्त हैं, भक्त के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं, तो अपवाय किस कारण से? असमर्थ नाहि कृष्णा सेधारे सर्वबल, तोमा के ना हो जाई बे पाप फल। कृष्ण सर्व समर्थ हैं, वे हमें पाप कर्म से उभारना जानते हैं। हम याचक है और भगवान दाता है। इस ब्रह्मांड में सभी जानते हैं, पर भगवान बोलते हैं वे याचक हैं और भक्त दाता है। जैसे बलि और बामन वृतांत में भगवान याचक बनकर आए। भगवान बोलते हैं कोई मुझे प्रेम नहीं करता, हर कोई मुझसे मांगता रहता है, परंतु जब वे किसी भक्त को देखते हैं जो बिना कुछ आग्रह किए उनकी भक्ति में लगा हुआ है, तो भगवान उससे याचना करते हैं, तुम मुझे तुम्हारे भोग दे दो। भक्त कहता है मुझे भोग नहीं चाहिए, आप ले लो। भगवान परखते हैं क्या भक्त ने कहने को कहा या सही में वो भोग नहीं चाहता है। भगवान बामन ने बलि से 3 पग जमीन मांगा, परंतु तीनों ब्रह्मांड छीन लिए। भगवान भक्त को प्रतिष्ठा देते हैं, भक्त प्रतिष्ठा को तिरस्कार करता है। भगवान टेस्ट करते हैं, हे बलि तुमने 3 पग जमीन देने का वादा किया, तुमने कहा मैं तीनों जगत का अधिपति सम्राट हूं। हे ब्राह्मण अज्ञ अबोध बालक, किससे क्या आज याचना करना, क्या तुमने कभी सीखा नहीं? एक सम्राट से 3 पग भूमि, तुम मेरा निरादर कर रहे हो बटु ब्राह्मण, यही कही थी ना तुमने। दाता बहुत कुछ देना चाहता है, परंतु याचक अपनी आवश्यकता से अधिक याचना नहीं करना चाहता है। ये बलि और बामन है। दाता बहुत कुछ देना चाहता है जैसे भगवान श्री कृष्ण, परंतु याचक हम नहीं जानते हैं क्या मांगना चाहिए। हम दरिद्र के भांति भौतिक अभिलाषा में ही फंसे हैं। हम वो हैं जिन्हें मुकेश अंबानी से मिलने का मौका मिला, और जब मुकेश अंबानी ने पूछा आपको क्या चाहिए, तो हमने बोला साहब 101 रुपया दान दे दो। ये संपूर्ण मूर्खता है। 101 रुपया तो यहाँ उपस्थित कोई भी भक्त दे सकता है। इसलिए कवि लिखते हैं, हे भगवान मैं तुमसे क्या याचना करूं, मुझे मांगना भी नहीं मालूम, तो तुमसे मैं तुमको ही क्यों ना मांग लूं। ये भक्त का लक्षण है, ये भक्त का अभिलाषा होना चाहिए। हे प्रभु आप मेरे बन जाओ। वामन बलि को बोले,
हे ती विक्रम सम्राट, हे अहंकारी, हे पाषंडी पापी, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि बोले, मैं अवगत हूं आप श्री हरि हो, आप मुझसे सर्वस्व हरने आए, आप मेरे मस्तक पर अपना तीसरा पग रखिए। वामन देव बोले, बलि तुम झूठे हो, ये अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल सब कुछ मेरा हुआ, तुम अपने वचन से मुकर गए। जब सारा जगत मेरा हुआ तो तुम मेरे जगत पर खड़े हो, तुम्हारा श्वास निश्वास मेरा देना, और अब भी तुम्हें अहंकार है, तुम कहते हो मेरे मस्तक पर अपना कदम रखे। हे बलि, तुम प्रेम के अधिकारी नहीं हो, तुम दंड के अधिकारी हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। ये एक भक्त का और भगवान का अभिमान है, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, जारे आगे त्रिणा तुल्य चारी पुरुषार्थ। जिस भक्त को कृष्ण के प्रीति का वासना हो गया उसके लिए संसार भी मलबत प्रतीत होगा, वो हमेशा बोलेगा ना याचते कृष्णा ना याचते, मुझे नहीं चाहिए कृष्ण मुझे नहीं चाहिए। तो भक्त को क्या चाहिए? कृष्ण से ही सत्य करे जेई मागे भृत्या, भृत्या वांछा पूर्ति बिनु नाही अन्य कृत्या। जो भी भक्त याचना करता है कृष्ण उसको सत्य करते हैं, बिना पूर्ति करे हुए अन्य कार्य नहीं करते। जगत तारिते प्रभु तुम्हारा अवतारा, मोरो निवेदना एक करा अंगीकार। आगे वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु से निवेदन करते हैं, मेरे प्रिय भगवान, आप सभी बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लिए हो, अब मेरा भी एक निवेदन है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप सुने और स्वीकार करें। करिते समर्थ तुमी हो दया माया, तुमी मना करा तबे अनायसे हाया। मेरे प्रभु, आप निश्चित रूप से वही कार्य करेंगे जो आप चाहेंगे, और आप वास्तव में दयालु हैं, यदि आप चाहो तो आप बहुत आसानी से वो कार्य कर सकते हैं। तो वो कार्य क्या है? एई मात्र आशा प्रभु तुम्हारे श्री चरणे, आहे तुकी भक्ति वृद्धि हउ अनुक्षणे। मेरी एकमात्र आशा है प्रभु आपके श्री चरणों में हर क्षण आपके प्रति अहेतु की भक्ति वृद्धि हो मेरे हृदय। और इस प्रार्थना के साथ कि मेरा भगवत सेवा के प्रति आग्रह बढ़े और नाम के प्रति श्रद्धा बढ़े, जिसके फलस्वरूप मैं अस्वार्थ भावना से भगवान और उनके भक्तों की सेवा कर सकूं। वांछाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधवे च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव हरे कृष्ण।